आपको आश्चर्य होगा कि वस्तुएं किस प्रकार अदृश्य हो जाती हैं। वस्तुओं को अदृश्य करने के लिए आप एक सरल प्रयोग कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा खाने बनाने का तेल, कांच की प्लेट, कुछ परीक्षण नलियां एवं कांच के कुछ टुकड़ों की आवश्यकता होगी। अब यदि आप कांच की प्लेट में थोड़ा जल डालेंगे और फिर कांच का एक टुकड़ा डालेंगे तो वास्तव में इस कांच के टुकड़े को आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जब वायु के माध्यम से प्रवेश करता है तब एक कोण पर टकराता है, इसका कुछ अंश रिफ्लेक्ट हो जाता है तथा ये रिफ्लेक्ट हुआ प्रकाश हमारी आंखों से टकराता है और हम इसे देख पाते हैं। अब कांच की प्लेट में थोड़ा सा खाने बनाने वाला तेल डालकर इस प्रयोग को दोहराइए और अब कांच का एक टुकड़ा डालिए। आप इसे अदृश्य होता हुआ देख सकते हैं। आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डालकर इसे भी अदृश्य होता हुआ देख सकते हैं। ये वास्तव में वही है और आप इसे वापस निकाल भी सकते हैं। आप पुनः इसी प्रकार की ट्रिक कर सकते हैं। आप दो परत नलियां लीजिए और बड़ी नली में छोटी को रखिए। खाना बनाने के तेल को डालना शुरू करिए। आप देख सकते हैं कि तेल छोटी परत नली में भर रहा है। अब जैसे ही तेल बाहर आना शुरू होता है आप देख सकते हैं कि अंदर की परत नली पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। ये वास्तव में वहीं पर है पर हम इसे देख नहीं पाते। इसका कारण है कि तेल से प्रकाश कांच के माध्यम से गया और झुके बिना सीधा ही निकल गया। साधारणतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होने के कारण झुक जाता है। यदि दो पदार्थों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है तो प्रकाश नहीं झुकेगा या सीधा चलता रहेगा मानो वस्तु वहाँ है ही नहीं। यहाँ पर भी इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ दो वस्तुएं हैं जो भिन्न दिखती हैं लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है। संयोगवश तेल एवं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है, अतः स्थिति में प्रिज्म तेल से भरे ग्लास के अंदर होने पर भी नहीं दिखता। तेल एवं ग्लास में प्रकाश की गति समान है, अतः रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है और इसी कारण से प्रकाश झुकता नहीं है तथा सीधा निकल जाता है। यदि हम प्रिज्म के माध्यम से लेजर चमकाएंगे तो आप प्रकाश को झुकता हुआ देख सकते हैं और आप यहाँ दो बिंदु देख सकते हैं, दो हरे बिंदु। प्रकाश प्रिज्म के दो ओर झुका। जब तेल में पड़े हुए प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश को प्रवेश कराया जाता है तब आप लेजर का सीधा मार्ग देख सकते हैं। प्रकाश तेल से प्रिज्म के अंदर गया तथा सीधे चलता हुआ इस प्रकार बाहर आ गया। जैसे ही प्रिज्म वहां है ही नहीं, अतः विभिन्न प्रकार के तेलों के साथ प्रयोग करके वस्तुओं को अदृश्य बनाया जा सकता है, जैसे कि ये पारदर्शी मछली।